Hey everyone, welcome back to my channel or welcome to my YouTube channel. Mera naam Shreya Dang hai aur main Lucknow se hoon. So, hi, namaste. I hope you all are doing well and please like, share and subscribe to my channel. Aur main aaj jo hai aap logon ke liye bahut hi interesting video layi hoon. Ek ye good bike screen ke bare mein. So, please if you are interested to know about this product, please kindly stay tuned. Thank you. ये क्रीम मैंने purplle.com से ली थी और इसका प्राइस है 225 रुपीस. और मेरे पास इसके दो वेरिएंट्स हैं, एक है ये कोकोनट में और एक है ऑरेंज ब्लॉसम में. और इन दोनों क्रीम्स के बारे में मैं आपको पूरा फुल डिटेल रिव्यू देने वाली हूँ आज. और मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरे को ये कैसी लगी है और क्या इसके प्रोज है, क्या कॉन्स हैं एंड ईच थिंग अबाउट दिस प्रोडक्ट. हाई, और अब मैं आपको इसके बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाहूँगी. ये गुड वाइब्स ब्रांड की है और ये सिर्फ और सिर्फ purplle.com पे ही अवेलेबल है. उसके अलावा और कहीं आई थिंक अवेलेबल नहीं है, नायका पे नहीं है, ऑनलाइन सिर्फ और सिर्फ purplle.com पे अवेलेबल है. और इसकी जो है 50 ग्राम्स है पर इसको प्रोडक्ट जो है 50 ग्राम्स में मिलेगा आपको. इसको लिए हुए अब मुझे काफ़ी टाइम हो चुका है. एक्चुअली मैंने पहले जो है ये कोकोनट की कोकोनट वेरिएंट लिया था और फिर उसके बाद जो है ऑरेंज ब्लॉसम ऑर्डर किया था. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो आपको कोकोनट वेरिएंट के बारे में कुछ बता देना चाहूँगी. ये जो क्रीम है ये ऑयल बेस्ड क्रीम है. तो जैसे मेरी ड्राई स्किन है तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, बट अगर आपकी ऑयली स्किन है तो ये क्रीम स्पेशली कोकोनट वेरिएंट जो है ये आपके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑयल बेस्ड है. तो आपकी ऑयली स्किन पे और भी ज़्यादा ऑयल हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो कि ये इसके लिए जाना आपके लिए नहीं है. बट अगर आपकी जैसे ऑयली स्किन है तो आप ऑरेंज ब्लॉसम ले सकते हो, बिकॉज ये थोड़ा मैटिफाइंग है, आपको जो है उतना ये ऑयल बेस्ड नहीं है. तो जो है दैट्स वाई अगर आपकी जो है ड्राई स्किन है मेरी तरह तो कोकोनट वेरिएंट है आपके लिए, बट अगर आप जो है जैसे आपकी स्किन ऑयली है तो आपके लिए ये ऑरेंज वेरिएंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्रीम्स में काफ़ी सारे अलग अलग कैटेगरीज हैं. आप जो है अपनी कैटेगरी वाइजली चूज करें इंस्टेड ऑफ दिस वन, दिस ब्राइटनिंग क्रीम. आप खाली ब्राइटनिंग के ऊपर मत जाइए, आप अपनी स्किन टाइप के हिसाब से भी लीजिएगा. दैट्स वॉट आई वॉन्ट टू से. और अब मैं आपको इसकी कुछ डिटेल्स बता देती हूँ. ये जो है चाहे आप कोई सी भी लीजिए, ये इसकी MRP 225 रुपीज़ है, बट आपको purplle.com पे बहुत काफ़ी टाइम, मतलब अच्छे खासा टाइम आपको जो है उस पर 25% ऑफ मिल जाएगा. मैंने भी 25% ऑफ पे ली थी दोनों क्रीम्स. मतलब पहले जब कोकोनट वाली ली थी तब भी वो 25% ऑफ पे थी, और जब ये वाली ली थी तब भी जो है 25% ऑफ पे थी. और इसमें मेरे को कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगी, जैसे पैराबिन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है और नो मिनरल ऑयल है इसमें. तो विच इज़ अ बिग थम्स अप. आई मीन आपको उसमें कोई पैराबिन, सल्फेट्स और कोई भी मिनरल ऑयल नहीं मिला, जो कि आई थिंक सो 225 रुपीज़ के हिसाब से आपको काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट है इसमें. और ये ऐसे ये जो कोकोनट क्रीम है और जो ब्लॉसम क्रीम है, ये दोनों के जो कंपोनेंट ये पैकेजिंग है दोनों की अलग अलग है. पैकेजिंग के बारे में आपको मैं अभी कुछ ही देर में बताऊंगी. आपकी जो ये कोकोनट कोकोनट क्रीम है ये मेनली फॉर ब्राइटनिंग फेस क्रीम है, और जो ये ऑरेंज ब्लॉसम है ये रिफ्रेशिंग फेस क्रीम है. तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है. ये जो है मतलब थोड़ा ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, जैसे कि मैंने कहा पहले का डल स्किन के लिए है. एंड दोनों ही वेरिएंट्स में काफ़ी डिफरेंस है. नाउ कमिंग ऑन टू पैकेजिंग. इसकी जो है जो कोकोनट वाली है ये मैंने जब तब ली थी जब ये स्टार्टिंग में, जब जो है मतलब स्टार्टिंग में नहीं, मतलब काफ़ी टाइम हो चुका था गुड वाइब्स को purplle.com पे आए हुए. देन मैंने ये तब खाली जो है सिर्फ 5 वेरिएंट्स अवेलेबल थे, अब जो है काफ़ी वेरिएंट्स अवेलेबल हैं. ये लेकिन गुड वाइब्स के जो स्टार्टिंग के 5 हैं वो ऐसे ग्लास कंपोनेंट में आते हैं, ठीक. बट जो ऐसे जो ज़्यादा चौड़े इसमें हैं ये प्लास्टिक कंटेनर में आते हैं. ओके, एंड द थिंग इज दैट इसकी पैकेजिंग बहुत ही ख़राब है. आई मीन लिटरली मैंने अपनी लाइफ में इतनी ख़राब पैकेजिंग कभी पैकेजिंग जो है आई मीन मुझे ये जो
गोल है सिलेंडर टाइप में, मुझे उस चीज़ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे उसके मटेरियल से प्रॉब्लम है। बिकॉज जब मैंने पहले ली तो उसका ये ब्रेक हो गया, आई वॉज लाइक कि ये क्या है। मैं आई मीन कितनी सारी मैंने क्रीम्स आज तक यूज़ कर दी लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उसका कंपोनेंट टूट गया हो या कुछ ऐसा हो गया हो, बट आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ था। बट मैंने ये लिया तो मेरे ये इसका ये टूट गया यहाँ से नीचे का। इसका ग्लास काफ़ी सॉलिड है, अच्छी क्वालिटी का ग्लास है, बट इसका लिड बहुत ही ख़राब था। तो आई वॉज लाइक ये क्या है, बट जो इसका है ये उससे भी बकवास है। आई मीन लिटरली हाउ कुड समवन बी लाइक दैट। आप जो है क्रीम बेच रहे हो, ये देखिए इसका जो है ये पूरा जगह जगह से इसका प्लास्टिक टूट गया है। और ऐसा भी नहीं है मैंने कोई बहुत जोर से तोड़ा, बहुत जोर से मैंने जो है प्रेस किया हो या कुछ किया हो, नहीं। आई मीन सीरियसली इसके जो है जगह जगह इसके प्लास्टिक के पीसेस जो है टूटने की वजह से मेरी पूरी क्रीम में हो गए, और मेरी क्रीम बिल्कुल पूरी तरह जो मेरी काफ़ी सारी बची हुई है अब मैं इसको यूज़ नहीं करती, बिकॉज प्लास्टिक के छोटे छोटे टुकड़े इसमें चले गए, सो दैट्स व्हाई आई डोंट यूज़ इट। मेरे पैसे बर्बाद गए इसमें, सो काफ़ी सारी बची रह गई और मैं इसको कुछ टाइम बाद डिस्पोज भी कर दूँगी, बिकॉज ऐसा रखने का इसको कोई फ़ायदा नहीं है अकॉर्डिंग टू मी। और इसकी पैकेजिंग बहुत ही ख़राब है, आई मीन लिटरली जो प्लास्टिक है बहुत ही चीप क्वालिटी का है, दैट्स वाई वो जो है ऐसे टूट रहा है। आई मीन आई डोंट नो वाई इट इज़ ब्रेकिंग और समथिंग लाइक दैट। पहले का वाली का लिड टूट गया, मुझे लगा ऐसा तो नहीं कि मैंने बहुत ज़ोर से कभी बंद कर दिया हो तो इसी वजह से उसका लिड टूट गया हो, बिकॉज मेरे पास नीविया की भी क्रीम्स हैं और बाकी सारी काफ़ी सारी क्रीम्स हैं, क्लिनिक की क्रीम्स हैं, उसमें कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि कंपोनेंट टूट गया हो। बट दिस वन जस्ट बोथ दोनों ही कंपोनेंट टूट गए। आई मीन सीरियसली अगर आप इसको लेने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ इसके कंपोनेंट को ध्यान से यूज़ करें, देख के यूज़ करें। आप अगर एक बार भी अगर आप बहुत ज़्यादा जोर लगा के या जल्दी में आपने कभी जो है इसको सोचा कि अरे मैं फटाफट क्रीम लगा लूँ और यूं करके फट करके रख दिया, या कभी कभार होता है इंसान से या उसने उल्टा आपने यूं करके रख दिया तो ये टूट जाएगा, तो आपको क्रीम फेंकनी ही पड़ेगी क्योंकि इसके छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े चले जाएंगे, तो आई डोंट थिंक सो वो सही है आपके लिए यूज़ करना। मैंने जो गुड वाइब्स की जो कोकोनट ब्राइटनिंग क्रीम है ये मैंने पूरी यूज़ कर ली थी, मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आई मीन आई नो इसका जो है कैप टूट गया था, बट स्टिल मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप देख सकते हैं पूरी ख़त्म हो चुकी है ये। मैंने इसको यूज़ करने के बाद ही मैंने जो इसकी जो ऑरेंज ब्लॉसम वाली वो ऑर्डर की थी, मैंने सोचा था कि इस बार जो है कंपोनेंट को बहुत ही प्यार से सहेज कर यूज़ करूँगी, बट आई डिडेंट थॉट दैट ये इतना ख़राब निकलेगा। आई डोंट सीरियसली आई मीन ये तो ग्लास है, सो इट्स हार्ड ग्लास, जो इसका कैप था टूट गया था तो सो उसमें कोई इतना वो नहीं हुआ मुझे, बट ये प्लास्टिक चीप क्वालिटी का प्लास्टिक है, ऐसा नहीं कि अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है, बट ये चीप क्वालिटी का प्लास्टिक है। आपका ये पूरा टूट के बिखर के आपकी पूरी क्रीम में फैल जाएगा, ये ऐसा प्लास्टिक है। ये जो है और भी ज़्यादा टूट गया, रिव्यू देने के लिए मैंने सोचा था कि इसको लगा के दिखाऊंगी, बट ये और भी ज़्यादा टूट गया। यू कैन सी कैसे ये इतना आसानी से आई मीन टूट रहा है ये, आई डोंट नो वाई। ये इसका ऐसे अंदर कुछ की कैन सी एक छोटा प्लास्टिक इसके अंदर ऑलरेडी है। आई मीन लिटरली व्हाट इज दिस। जो ये गुड वाइब्स वाली ऑरेंज ब्लॉसम है ये कुछ ऐसे टेक्सचर की है, ओके और ये ज़्यादा हाइड्रेटिंग नहीं है, दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन टाइप्स। इसमें कोई शीन नहीं है, बट इसकी स्मेल बहुत अच्छी है। इसमें जो है जो इसकी स्मेल है काफी अच्छी है, एकदम ऑरेंज टाइप की स्मेल मिलेगी आपको, टिपिकल ऑरेंज स्मेल। और इसमें जो है अब मैं आपको इन दोनों क्रीम्स का जो है एकदम शॉर्ट में रिव्यू दे देती हूँ, ताकि आप जो है अपने जो भी मेरे जो प्रोज एंड कॉन्स हैं मैं आपको बता दूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रो नंबर वन, इसमें काफ़ी सारे वेरिएंट्स हैं। आई मीन लिटरली देर आर टू मेनी वेरिएंट्स फॉर एवरी स्किन टाइप। आपको जो भी वेरिएंट आपको समझ में आए अपनी स्किन के हिसाब से आप थोड़ा इसका रिव्यू कर लें और पढ़ लें कि आपको
आपके फेस पे या आपकी स्किन पे कौन सा ज्यादा सूट करेगी और आपको क्या चीज चाहिए इन क्रीम्स में से। सेकेंड प्रो ये है कि दे आर काफ़ी अफोर्डेबल। आपको जो है ये 225 रुपीज़ इसकी MRP है, बट आपको काफ़ी ज़्यादा मोस्ट ऑफ द टाइम आपको purplle.com पे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, एटलीस्ट 50% तो आपको मिल ही जाएगा। आपको ऐसा नहीं है कि 225 रुपये पूरे के पूरे ही खर्च करने पड़ेंगे, आपको जो है पूरे आपको जो है अच्छा खासा आपको इन दोनों प्रोडक्ट्स पे डिस्काउंट मिल जाएगा। एंड थर्ड प्रो इज़ दैट ये आपको ऑनलाइन अवेलेबल है, आप जो है इसको आराम से अपने अपने सिटी या जहाँ भी आप रहते हो आप उसका आराम से आप अपना ऑर्डर प्लेस करके आप इसको मंगा सकते हैं। नाउ कमिंग टू द कॉन साइड, इसकी पैकेजिंग बहुत ख़राब है। लिटरली जो स्पेशली ऐसे जो जार्स हैं आप ये थोड़ा ज़्यादा मोटा है हैं ऐसे कम ऐसे वाले जो जार्स हैं उनकी क्वालिटी मटेरियल की क्वालिटी बहुत ही ख़राब है। लिटरली बहुत ही ख़राब है। ये बिल्कुल टूट रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आप भले ही जो है एक प्रोडक्ट की आप 300 रुपये चार्ज कर लो, बट एटलीस्ट आपको जो प्लास्टिक का जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो वो टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि आपकी जो जब क्रीम में आपको प्लास्टिक मिल जाएगा तो आप यूज़ ही नहीं करोगे वो क्रीम, वरना आप यूज़ करोगे तो आपके फेस पे जो है आप क्रीम जब अप्लाई करोगे तो आप अपने प्लास्टिक भी साथ में अपनी स्किन पर आप रगड़ रहे हो, तो उसके आपकी स्किन पर रैशेज आ सकते हैं, आपको रिएक्शंस हो सकते हैं, जो कि मुझे बहुत ही बड़ा एक डिसएडवांटेज लगा। बिकॉज क्रीम ये ओवरऑल ये ठीक है, मैं उसको 3.5 स्टार्स ही दूंगी, बिकॉज आई एम नॉट टू इम्प्रेस्ड विद द क्रीम, बट स्पेशली ये ऑरेंज के लिए वाइटनिंग क्रीम जो ब्राइटनिंग क्रीम है ये जो है कोकोनट की, ये काफ़ी अच्छी लगी मुझे, बट स्टिल इसकी पैकेजिंग बहुत ही ख़राब है। तो सीरियसली जब आपका आधे से ज़्यादा प्रोडक्ट ही वेस्ट हो जाएगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं रिकमेंड करूँगी आपको। स्पेशली जो ऐसे जार्स हैं वो वाले तो आप ना ही ले तो ज़्यादा ही बेटर रहेगा, बट हाँ ऐसे में जो है आप वो ले सकते हो, क्योंकि इसकी खाली लिड ही ऐसी है, तो लिड टूट जाएगी तो भी, जैसे मेरी टूट गई थी तब भी काफ़ी टाइम मेरा प्रोडक्ट नहीं ख़राब हुआ था। सो जो है ऐसे में जो है आपका प्रोडक्ट नहीं ख़राब होगा, आप प्रोडक्ट यूज़ कर सकते हो, यूजेबल प्रोडक्ट रहेगा आपका। सो दैट्स वाई। सो गाइज मैंने आपको सारे प्रोज और कॉन्स बता दिए हैं जो कि मुझे इन दोनों क्रीम्स के जो वेरिएंट है गुड वाइब्स की मैंने आपको बताए, और आई होप यू लाइक इट एंड आई होप यू हैव एंजॉयड दिस वीडियो। सो प्लीज़ काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय।